अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी चैप्टर नंबर 1। हमने स्टार्ट किया था साइंस का, आज हम उसकी वर्कशीट चेक करेंगे, वर्क पेज पे चेक करेंगे कि आपके जो कुछ एमसीक्यूज, और आपको पता है कि वर्क पेज पे आपके कुछ इस तरह के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में, उसमें हम लेक्चर में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। केयरफुली आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हर फ्रेंड के साथ, हर फेलो के साथ वीडियो को शेयर करें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हियर वी हैव द वर्क पेज ऑफ यूनिट नंबर 1, विच इज द ह्यूमन बॉडी। और ये आपका वर्क पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपके जो है चूज द करेक्ट आंसर एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, और आपके जो कॉन्सेप्ट है आप खुद ही इनको आंसर करेंगे, ओके। सिर्फ ये नहीं कि मैंने अगर आपको फिलअप कर दिया तो आपने उसको ही जो है वो अपना सेम टू सेम कॉपी कर लेना, उसको अंडरस्टैंड करें आप, ठीक है। और इसी तरह मैं कुछ टेस्ट और आपको पता है एक स्मॉल टेस्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आपके लिए लेकर आऊंगी, फिर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है फुल। अगर आप चाहें तो हम उसको लाइव स्ट्रीम में भी ला सकते हैं, लाइव आपके साथ डिस्कशन होगी कंप्लीट। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज की डिस्कशन चाहिए, ठीक है। ओके, अब आपके पास सबसे पहले है विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑल द सिस्टम और द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो है, सब बॉडी के सिस्टम्स को कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो कंट्रोल कर रहा है। और आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ब्रेन इज द करेक्ट आंसर, कि आपकी जो ब्रेन है वो आपके पूरे बॉडी को, आपके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वी हैव विच टू सेंसेस और द सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव टू यूज फॉर व्हेन व्हाइल वी आर क्रॉसिंग अ रोड, कौन से ऐसे दो सेंस ऑर्गन्स हैं, टू सेंस ऑर्गन्स आपने बताने हैं जब हम रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उन टू सेंस ऑर्गन्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। और अब देखिए, आप सबसे पहले आप अपनी आईज को यूज करते हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि यू विल सी दैट वेयर इज ट्रैफिक गोइंग और वेयर इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। और उसके अलावा आप यूज करेंगे अपने ईयर्स को, क्योंकि किसी भी तरह का साउंड है, हॉर्न है, कुछ भी, तो आप साउंड को यूज करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रिड ऑफ, जो स्किन है आपकी, स्किन से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट होता है। सो ब्लड है, स्वेट है, आपको पता है कि जो स्वेट है आपकी बॉडी से, टीयर्स आपकी आईज से आएंगे, सो जो स्वेट है, यूरिन आपको मैंने बताया था, तो अब जो स्वेट है पसीना जो है, वही आपकी बॉडी से, आपकी स्किन जो है उससे अपनी, वही बात आती है कि अपनी जान छुड़ाती है, तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्वेट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑर्गन tells us that what we are seeing, आपको कौन सा sense organ जो है ये बताता है कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। देखेंगे तो आप अपनी आईज से, मुझे पता है सबके जहन में आ रहा होगा कि आपकी आईज है जो आपको बताती है कि आप क्या देख रहे हैं। आप आईज से देखते जरूर हैं, यू विल सी विद योर आईज, लेकिन आपका ब्रेन जो है आपको ये मैसेज सेंड करता है कि आपने देखा क्या है, ठीक है। तो ये ब्रेन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डज द ब्लड ट्रैवल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड जो है आपका किस तरह से पूरी बॉडी में हेल्प आउट करते हैं, कौन से आपके स्ट्रक्चर हैं बॉडी में जो ब्लड को ट्रैवल करने में हेल्प आउट करते हैं, दीज आर द वेन्स एंड आर्टरीज, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव मैच द, आपने मैच करना है विच ऑफ द बॉडी टू देयर करेक्ट सिस्टम्स, आपने ऑर्गन सिस्टम के साथ मैच करना है, जो भी आपका पार्ट ऑफ द बॉडी है या ऑर्गन है, हमको आई होप कि आप सबके लिए ये विजिबल होगा इजिली, इसको गौर से देखिए आपको समझ आ जाएगी इजिली। द फर्स्ट वन इज द मसल्स, मसल्स आपको पता है आपका मस्कुलर सिस्टम जो है, ठीक है, दी विच इज दी यू नो आपका मसल्स जो है वही आपके मसल मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है। तो आई को आपने मैच करना है डी के ना साथ। नेक्स्ट वी हैव द बोन्स, बोन्स कनेक्टेड टू द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। टू को आपने जो आपका है डबल आई, जिसको आप कह सकते हैं रोमन काउंटिंग, आप रोमन काउंटिंग भी मैथ में लर्न कर रहे हैं ना साथ साथ, तो उसी तरह आपके यहाँ पे देखें जो सेकेंड है आपका बोन्स, उसको आप मैच करेंगे स्केलेटल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट यू हैव आर्टरीज, थर्ड विल बी मैच टू द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज ई ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका नर्व्स जो है नर्वस सिस्टम के साथ मैच करेंगे ए ऑप्शन के साथ, ठीक है। फोर्थ वन मैच गोज टू नर्वस सिस्टम ए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक, स्टमक गोज टू डाइजेस्टिव सिस्टम बी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी मैच
मैचिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। हर सिस्टम का आपको पता है कि कौन से किस सिस्टम में कौन से पार्ट्स आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ठीक है। कौन से वर्ड्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है जो आपकी लिस्ट से बिलोंग नहीं करते। देखिए सबसे पहले आपका स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, स्कल आपका स्केलेटल सिस्टम में आता है, आईज भी आपके स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, स्पाइन आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी बैक बोन है, ठीक है, सॉरी जो आपकी बैक बोन है वो भी आपके स्केलेटल सिस्टम में है। नेक्स्ट लंग्स डज नॉट बिलोंग टू यू नो स्केलेटल सिस्टम। फिर आपके आ जाते हैं नी कैप एंड हील। सो करेक्ट आंसर इज लंग, क्योंकि आपको पता है कि लंग जो है आपके वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, तो स्केलेटल सिस्टम में लंग्स नहीं है, ठीक है। तो लंग्स को सर्कल आउट करेंगे आप। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, नर्व, बताएं मुझे अब जो नर्व है वो तो आपके नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह आपका जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे आप इन दोनों को जो है सर्कल करेंगे। नेक्स्ट विंड पाइप और लंग आपको बताया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही है। नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी वेन्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, हार्ट भी है, बट ईयर और रिब, ठीक है, ईयर और रिब्स आर नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इन दोनों को आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए आपका लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। आपकी जो हिप बोन्स हैं या हिप है, और साथ में आपका जो ब्रेन है, ये पार्ट्स जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्क पेज या वर्कशीट कंप्लीट है। ये आपका फर्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ अदर एक्टिविटीज हैं, सो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ आप जो है कमेंट्स में मुझे बताएं आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चैनल को, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, और अपने फेलोज के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।